तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री चैतन्य मनोविष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपादान्तिकम् हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये पंचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज 10th चैप्टर कंटिन्यू करेंगे क्योंकि नेक्स्ट वीक नहीं मतलब ट्यूसडे को जन्माष्टमी और प्रभुपाद अपीयरेंस डे स्पेशल क्लास होगा, बट इसी भगवद्गीता के 10th चैप्टर के थ्रू ही। तो व्हाट वी विल डू, हम समहाउ अदर आज 7th वर्स तक कंप्लीट करेंगे कैसे भी पुश करके। आई थिंक हो ही जाएगा क्योंकि 3-4 वर्सेस ही करने हैं, क्योंकि 8th, 9th, 10th और 11th श्लोक है, जो 4 श्लोक हैं ये सबसे ज्यादा टाइम लेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर के वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट श्लोक है ये चतुर्श्लोक की भगवद गीता, जो जो सीड वर्सेस जो जो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है भगवदगीता के, स्पेशली इस चैप्टर के। एक्चुअली पूरी भगवदगीता के सबसे इम्पोर्टेंट श्लोक है ये, जिससे पूरी भगवदगीता का एसेंस सिर्फ 4 श्लोक में मिल जाता है। 700 श्लोकों का एसेंस सिर्फ 4 श्लोक में मिल जाता है इन वर्सेस में। इस पे हम थोड़ा सा स्लो जाएंगे, बट आज विल कवर विल ट्राई टू कवर टिल वर्स नंबर 7। तो विनीत टू स्टार्ट करो। यस ब्रो। हमने 3rd वर्स तक किया ना, 4th से करना है हमने ना। यस ब्रो, 4th से करना, 3rd तक किया। एक मिनट, 4th और 5th दो वर्स इकट्ठे हैं वो। अब आरब 4th और 5th जो वर्सेस हैं वो दोनों दो वर्स इकट्ठे हैं वो। हाँ जी ब्रो, अब आ रहा है ब्रो। हाँ आ गया। बुद्धिर ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम तमा क्षमा सुखम दुखम भवो भाव भयम चाभ्यम एव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यश भवन्ति भाव भूतानां मत्त एव पृथग्विदः। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता, इंद्रिय निग्रह मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु भय अभय, अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न हैं। अब इसमें सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज सिर्फ अच्छी क्वालिटीज नहीं है, नेगेटिव क्वालिटीज भी मिक्स हैं। अगर हम इन क्वालिटीज में देखेंगे तो सिर्फ पॉजिटिव क्वालिटीज की बात नहीं हो रही है इसमें। तो हम ये अब भगवद गीता में कृष्ण ये डिफरेंट क्वालिटीज बता रहे हैं, और क्या रीजन से बता रहे हैं कि ये सब चीजों की उत्पत्ति मुझसे हुई है, इन सब का कारण मैं हूँ। हाँ, भगवान ये बेसिकली समझाने की कोशिश करें कि दिस इज ऑल क्रिएटेड बाय मी, इसका कारण मैं हूँ। तो आते हैं बुद्धि इंटेलिजेंस। हाँ, तात्पर्य पढ़ते हैं, उसमें सारा का सारा 7x7 सब कुछ एक्सप्लेन्ड है। जीवों के अच्छे या बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। तो ये कुछ
छोटी सी लिस्ट दे रखी है गुणों की जो भगवान बता रहे हैं कि वो उनके कारण है। बुद्धि का अर्थ है नीर शीर विवेक करने वाली शक्ति। हाँ, बुद्धि का अर्थ क्या है? एनालाइज करना प्रॉपर पर्सपेक्टिव में कि चीजें कैसी हैं कैसी नहीं हैं। जैसे इसको एग्जांपल में समझे तो ये पानी है और ये एक टीवी में एक ऐड भी आता था, वो स्प्राइट की ऐड होती थी कि स्प्राइट लाते थे वो लगता था व्यक्ति को पानी है। बट क्लियर रखना, अच्छा ये दिखने में भले ही सेम हो बट इंटेलिजेंस का काम क्या है? एनालाइज करना कि प्रॉपर पर्सपेक्टिव में कि क्या चीज क्या है एग्जैक्टली। हाँ, अगला। और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। हाँ, मैटर और स्पिरिट, सोल में और इस भौतिक वस्तुओं में भेद जानना। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान पदार्थ में से संबंधित होता है, मैटर से, जो मटेरियल नॉलेज है उससे संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ में अंतर को जानना, ये नॉलेज है। हम जो स्कूल कॉलेज में हमने लिया है आज तक वो एजुकेशन है, वो नॉलेज नहीं है। नॉलेज मतलब ज्ञान जो मैटर में और स्पिरिट में, हाँ, आध्यात्मिक वस्तुओं में और भौतिक वस्तुओं में भेद जानना, उसको ज्ञान कहते हैं। हमने जो स्कूल में ली है वो शिक्षा ली है। हाँ, शिक्षा एजुकेशन नॉलेज से अलग है। इसलिए कई बार एक अनपढ़ व्यक्ति भी बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत नहीं होता है। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्वों तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। तो अभी माता पिता कई बार ये चिंता करते हैं कि मेरे बच्चे को मुझे नॉलेजेबल बनाना है या सिर्फ इसको सिर्फ उसको उसको सिर्फ लिटरेट बनाना है। इवन आप हैरान हो जाओगे, इंग्लिश वर्ड जो एजुकेशन है, जो इंग्लिश का वर्ड है एजुकेशन, वो भी उसका जो रूट वर्ड है वो आता है एजुकरी से। और एजुकरी का मतलब भी एग्जैक्टली यही है, टू नो द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, मैटर एंड स्पिरिट। हाँ, सही गलत में भेद जानना, आत्मा और भौतिक वस्तुओं में, आध्यात्मिक और भौतिक वस्तुओं में भेद जानना, वो एजुकेशन का मतलब है। तो साक्षरता और ज्ञान में ये भेद है। तो पब्लिक साक्षर तो हो रही है, साक्षरता तो बढ़ रही है इंडिया में या विश्व में हर जगह, बट क्योंकि उसमें स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, साक्षरता के साथ राक्षसता भी बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि वो लिटरेट तो हो रहे हैं बट एजुकेटेड नहीं हो रहे, नॉलेजेबल नहीं हो रहे लोग। तो एज ए पेरेंट हमें हमारे बच्चों को लिटरेट के साथ साथ एजुकेटेड भी बनाना है। पर एजुकेशन जो मॉडर्न जमाने में बहुत क्लियरली, बहुत ओपनली दिखाया जाता है कि व्यक्ति अच्छे से सूट बूट पहन के जा रहा है और उसके पास बहुत पैसा है, अच्छी गाड़ी में है और घर उसका अच्छा है, सब कुछ लोन पे ले रखा है उसने, जो भी जीवन किसी का चल रहा है, और बट सब कुछ अच्छा है, सब कुछ चमक धमक है उसके जीवन में, और देख के व्यक्ति बहुत है, बहुत एजुकेटेड व्यक्ति है। और जो जो व्यक्ति बुरे हाल में है या गंदे कपड़े पहन के घूम रहा है, कई बार हम जो लेबर व्यक्ति होते हैं, कारपेंटर को, ट्रेडिस को देख के बोलते हैं ये अनपढ़ सा दिख रहा है देखने में, क्योंकि हमारा पूरा कंसेप्शन एक एजुकेटेड व्यक्ति का बाहरी दृष्टि से है, उसके कैरेक्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उसमें विनम्रता है नहीं है उससे कोई लेना देना नहीं है, उसको आध्यात्मिक रुचि है ज्ञान है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, उसका भगवान में कितनी श्रद्धा है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा, उसका जीव दया, लोगों के प्रति दया भाव कितना है उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। तो हमारा टोटल जो अंडरस्टैंडिंग है एक सोफिस्टिकेटेड अपर क्लास व्यक्ति का, जो हमने अपने मन में जो टीवी की वजह से, बॉलीवुड की वजह से, मीडिया की वजह से बना रखा है, वो यही है कि वो व्यक्ति दिखता कैसा है, वो बोलता कैसा है, उसका 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 बोलने का ढंग कैसा है, उसकी इंग्लिश कैसी है। अब जिसकी इंग्लिश जितनी अच्छी है उसको उतना एजुकेटेड माना जाता है। ये सारे लिटरेट होने के लक्षण है। हाँ, ये साक्षर लक्षण है। बट अगर बाकी गुण नहीं है तो राक्षसता भी इसी साक्षरता के साथ साथ आएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। असम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे
निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी अच्छा पॉइंट है। इस पर्पट में आप देखोगे तो पर्सनल लाइफ के लिए बहुत बड़ा पर्पट एक्चुअली में है। तो हम जल्दी स्पीड से जाते हैं इसके ऊपर, क्योंकि हर हर क्वालिटी पे प्रभुपाद ने एक्सप्लेन किया। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करनी चाहिए हमें हमारे लाइफ में। मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, और दूसरे को छोटे छोटे अपराध, दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों की सही रूप में, कहीं सही रूप से, तथ्यों अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत किया जाए। इस ट्रूथफुलनेस का मीनिंग है। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वे सत्य बोलना चाहिए जो अन्य को प्रिय लगे। कई बार हम सत्य के नाम पे इतना कठोर, इतना कड़वा बोल देते हैं कि सामने वाले को ठेस पहुंच जाती है। सत्य भी ऐसे बोलना चाहिए कि सामने वाले का भला हो, ये माइंडसेट से। और दूसरा, उसको बोलने का तरीका भी होना चाहिए कि सामने वाले को लाभ हो और उसको ठेस ना पहुंचे। हाँ, किंतु ये सत्य नहीं है। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे वो सत्य बोलने की बात की जा रही है जिससे लोगों को फ्लैटर किया जा सके, पर शास्त्र क्या सत्य बोलने की बात करते हैं? जो सिद्धांत है उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। सामने वाले को ये बताना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। अब किस तरह से बताना है वो हमारा एक्सपर्टीज है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सत्य है। यदि भी सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथा रूप में लोकहित के प्रस्तुत तथा रूप में लोकहित के प्रस्तुत किया जाए। यही सत्य की परिभाषा है। दम, सेंसेस कंट्रोल। दम का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अभी यह क्या बोला जा रहा है कि ये नहीं कहा जा रहा भगवद गीता में कि सेंसेस की नीड को फुलफिल मत करो और पूरी तरह से इंद्रियों को कंट्रोल में कर लो और इंद्रियों को उसका भोग दो ही मत, उसकी एंजॉयमेंट, उसकी सेटिस्फेक्शन, उसकी नीड दो ही मत। वो नहीं बोला जा रहा यहाँ पे। यह बोला जा रहा है किंतु आवश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। अनावश्यक, जो अननेसेसरी सेंसेस को, जो हम स्टिमुलस देते हैं, जो अननेसेसरी हम सेंसेस को खाना खिलाते हैं, वो हमारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक है। और उसके लिए प्रभुपाद ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कुछ नियमों का पालन करना कि जीव की हत्या नहीं करनी, अपने जीव के लालच के लिए, किसी जानवर को नहीं मारना, नशा नहीं करना किसी प्रकार का, हाँ, तो इसमें, और पराई स्त्री का संग नहीं करना और जुआ नहीं खेलना। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे क्षमा, क्षम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय ना गवाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, इसको रट्टा मार सकते हो तो मार लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है बीच में। अब से यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। क्या मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन की चिंतन में सारा समय ना गवाए, सारा समय पैसे की चिंतन में ना गवाए? ये चिंतन शक्ति हमारे को जो भगवान ने फैसिलिटी दी है, हम मेडिटेशन की, हर समय सोचने की, विचार करने की, ये उस चिंता शक्ति का दुरुपयोग है। ये पूरा पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। मन का उपयोग मनुष्यों की मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए और उससे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ? शास्त्र शास्त्र मर्मज्ञ साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। हाँ? साधुओं की, भगवान के भक्तों की, गुरुओं की संगति में रहकर हमारे चिंतन को डेवलप करना चाहिए। क्या विचार
शक्ति है, उसको विकास, उसका डेवलपमेंट करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के अध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा ही वही सुखम है, इसी प्रकार दुखम वह है जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा है। जो भक्ति के पाथ को फॉलो करने में ही बाधा बने, वो जबरदस्ती अपने जीवन में, वो लाइफस्टाइल में अपने ऐसी चीजें लाने ही क्यों है कि हम उस अपने जीवन के गोल से ही साइड होने लगे सिर्फ पैसे के चक्कर में। जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास के लिए अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, और जो प्रतिकूल हो उसे परित्याग करें। जो फेवरेबल है उसको एक्सेप्ट करें, जो अनफेवरेबल है उसको रिजेक्ट करें। बट ये कब कर पाएंगे? साधुओं की, गुरुओं की एसोसिएशन में, वरना ये हो नहीं सकता। हा? भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह ना तो उत्पन्न होता है ना मरता है। इसकी व्याख्या हम भगवद गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं, सेकंड चैप्टर में वो डिटेल में है। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत होता है। हाँ? अब ये फियर की बात आ गई, भय की बात आ गई। भय क्यों होता है? हाँ, भय फ्यूचर के कारण होता है, फ्यूचर की चिंता करके डर लगता है। हाँ? कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम वापिस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। एक डिवोटी का फ्यूचर उसको इतना सेफ दिखता है कि उसको फियर नहीं रहता है मन में। अभी व्यक्ति को फियर क्यों रहता है? मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का क्या होगा, हाँ, मेरे धन का क्या होगा, मेरे प्रॉपर्टी का क्या होगा, मेरे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा, मेरी इमेज का क्या होगा। तो ये व्यक्ति को कॉन्स्टेंटली फियर में रखता है, डर में रखता है। बट जिसको ये पता है कि मेरी अभी की एक्टिविटीज मेरे को फाइनल हाईएस्ट डेस्टिनेशन देने वाली है, भगवान के धाम लेके जाने वाली है, उसको नेचुरली फियर नहीं रहता है, बहुत कम होने लगता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है। किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ नहीं जानते, उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे अंदर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जाने तथा कृष्ण भावनामृत में निरंतर स्थित रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। अभी एस्ट्रोलॉजर्स की दुकान भी इसीलिए चल रही है क्योंकि लोगों को फ्यूचर का डर इतना रहता है, और सारे ही कोशिश करते हैं कि बस किसी तरह पता चल जाए कि बस मेरी मेरी गाड़ी कौन से गड्ढे में गिरने वाली है, मैं उस गली में नहीं जाऊंगा। बट वो ये भूल जाते हैं कि ये भगवान के बनाए नियम हैं, आपको फोर्सफुली उसी गड्ढे में जाना पड़ेगा जहां पे आपके कर्मों को कर्म में लिखा है कि आपको उस गड्ढे में गिरना है। बट हाँ, थोड़ा सा अगर पहले किसी को हिंट मिल जाती है तो वो मोटे कपड़े पहन के चला जाता है ताकि चोट कम लगे। बट कब आएगा एग्जैक्टली किसको पता होता है, तो बहुत एक्सपर्ट नॉलेज है। भगवत गीता में कहा गया है, भव्य भयम द्वितीय अभिनिवेश तस्यात्। भागवत में सॉरी, भय तो हमारे माया पाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है। भय तो भगवान की माया शक्ति में फंसने से होता है। किंतु जो माया के जाल से मुक्त है, जो आश्वस्त है कि वह शरीर नहीं अभी तो भगवान के आध्यात्मिक अंश है, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता, उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। यह भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। अब है हम तभी संभव है जब कृष्ण भावनामृत में रहा जाए। अहिंसा का अर्थ होता है कि अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए, नॉन वायलेंस। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञों, समाज शास्त्रियों, परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों की दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी तरफ से, जैसे सोशियोलॉजिस्ट होते हैं, फिलान्थ्रोपिस्ट होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, जो जन कल्याण के लिए काम करना चाहते हैं, क्योंकि उनका स्पिरिचुअल विजन नहीं होता, ट्रांसेंडेंटल विजन नहीं होता, वो सोसाइटी को शरीर के लेवल पे या मन के लेवल पे ही सिर्फ मदद कर पाते हैं, वो आत्मा के स्तर पे पब्लिक की हेल्प कर ही नहीं पाते। तो ये उनकी डेफिशिएंसी है, ये उनमें कमी है। अहिंसा का अर्थ है कि मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके।
मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है। अतः ऐसा कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन ना हो, मानव देह प्रति हिंसा करने वाला है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम अपने बॉडी को जो एक बोट की तरह है, एक व्हीकल की तरह है, नहीं इस्तेमाल कर रहे इस भाव सागर के पार जाने के लिए, तो हम अपने ऊपर ही अहिंसा कर रहे हैं। और कोई भी स्पिरिचुअल संस्था जिससे कोई व्यक्ति जुड़ा हो, अगर वो भी उनको अपने शिष्यों को, अपने फॉलोअर्स को इस भव सागर से बाहर जाने की शिक्षा नहीं दे रही और रास्ता नहीं दिखा सकती, तो वो भी उसमें योगदान दे रही है, वो भी अहिंसा कर रहे हैं। अभी हम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है जज करना कि हम रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, अध्यात्म के नाम पे कर क्या रहे हैं अपने जीवन में। वो भव सागर से पार ले जा सकता है या यहीं की जेल में सुविधाएं अच्छी करने के लिए मदद कर सकता है सिर्फ, जिससे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। जिससे हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस बढ़े, वही अहिंसा है। समझता इक्वानिमिटी, समता से राग द्वेष से मुक्तो मुक्तो घोषित होता है, कहता है। ना तो अत्यधिक रोग अच्छा होता है, ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना ही अत्यधिक द्वेष। हाँ, ना ही अटैचमेंट हेल्पफुल है और ना ही बहुत ज्यादा डिटैचमेंट एवर्जन। बोला जाता है कि अटैचमेंट और एवर्जन दोनों एक ही सिक्के हैं। बहुत ज्यादा अटैचमेंट किसी चीज से होना और बहुत ज्यादा एवर्जन, एवर्जन मीन्स चिढ़ मचना, घिन मचना किसी से, उसको दूर रखना, दोनों ही एक ही सिक्के के दूसरे पहलू हैं। हाँ, कभी अटैचमेंट होती है, कभी अवर्जन होती है। हम रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा देखा जाता है कि कई बार रिलेशनशिप में हम बहुत ज्यादा ही आसक्त होके रिएक्ट करते हैं, अटैच होके रिएक्ट करते हैं, और कई बार बहुत ही ज्यादा एवर्स होके, बहुत ज्यादा द्वेष के कारण रिएक्ट करते हैं। हाँ, तो ये बहुत ही मटेरियल साइन है, इससे बचना है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए, ना बहुत ज्यादा अटैचमेंट, ना ही हेटरेट। हाँ, एवर्जन का मतलब है हेट भी इसमें होता है। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल हो उसे ग्रहण करें, और जो प्रतिकूल हो उसका त्याग कर दें, यही सम्मता है, इक्वानिमिटी। कृष्ण भावनामृत योग्य व्यक्ति को ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने के लिए उसके उपयोगित से प्रयोजन करना रहता है। अब इसका क्या मतलब है? ना तो एक डिवोटी को किसी चीज से अटैचमेंट है, ना ही उसको किसी चीज से हेट है। उसके पास वो वही चीज यूज करता है अपने लाइफ में जो भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल की जाए। एक डिवोटी को ना गाड़ी और बड़े घर से प्रॉब्लम है, और ना ही उसको सड़क पे धक्के खाने से हेट है। क्यों? क्योंकि अगर सड़क पे धक्के खाने से उसकी सर्विस हो रही है तो वो कर लेता है। अगर एक महंगी गाड़ी में, बंगले में जाके उसको प्रोग्राम करना है या रहना पड़ता है, तो वो कर लेता है। क्यों? क्योंकि दोनों भगवान की सेवा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। प्रभुपाद जी इसमें क्लासिक एग्जाम्पल है कि प्रभुपाद जी जब ट्रैवल कर रहे थे, और इस्कॉन काफी एस्टैब्लिश हो चुका था 1970s के बाद में स्पेशली, तो प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी को कई बारी बहुत महंगे महंगे तोहफे देते थे। बड़ी गाड़ियों में एयरपोर्ट से लेने आते थे, बहुत बड़े बड़े 5 स्टार 7 स्टार में उनको रखते थे। तो कई बार, एक बार प्रभुपाद मेलबर्न में आए, मेलबर्न की ब्रिटिश की वीडियो भी बनी हुई है, भक्त लोग यहाँ से हायर करके किराए पे लेके रोल्स रॉयस लेके गए प्रभुपाद को एयरपोर्ट पे पिकअप करने। और प्रभुपाद को जब एयरपोर्ट पे पिकअप करने गए, तो प्रभुपाद तो जो गाड़ी लेने आई थी, गाड़ी में आके बैठ के आ गए। तो बाद में रिपोर्टर आके पूछे कि स्वामी जी तुम तो त्यागी हो, तुम तो सब रिनाउंस किए हुए हो, तो तुम ये रोल्स रॉयस वगैरह में क्यों बैठ के आए हो? तो प्रभुपाद उनको ये दिखाना चाहते थे कि भगवान का जो भक्त है उसको फर्क नहीं पड़ता वो किसमें बैठा है। बट फिर भी प्रभुपाद उनको एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहते थे। तो प्रभुपाद बोले, ये रोल्स रॉयस तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए एक सिर्फ टीन का डब्बा है। जब कोई व्यक्ति तुम्हारे को जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए भगवान का डायरेक्ट प्योर मैसेज लेके आए, तो उसको तो सोने के रथ में लेने आना चाहिए, मेरे शिष्य तो सिर्फ एक टीन के डब्बे में लेने आए हैं। हाँ, तो प्रभुपाद ने उल्टा उनको कमेंट दिया। वही प्रभुपाद जब भुवनेश्वर गए, जो उनके शिष्य गौर गोविंद महाराज, भुवनेश्वर जो पूरा जंगल उस समय था 70s 70s में,
जो वहां पे प्रचार करने के लिए उनको भेजा जिस एरिया में, तो वहां पे उन्होंने सिर्फ एक झोपड़ी बनाई थी तब तक, और जगह ली थी क्या बोलते हैं, किसी ने डोनेट की थी वहां पे मंदिर का निर्माण करने के लिए, और मच्छरों का बुरा हाल, और मतलब सोचो खेतों में पूरा कैसा होगा, खेतों में एक झोपड़ी है। तो प्रभुपाद ने बोला मैं भुवनेश्वर जाना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ वहां पे क्या चल रहा है मंदिर का। तो उसके पास में भक्तों ने प्रभुपाद जी के लिए होटल का रूम वगैरह बुक कर दिया, और प्रभुपाद जी जब वहां पहुंचे तो बोले नहीं मैं होटल में क्यों रहूं, मेरा शिष्य जो झोपड़ी में रह रहा है तो मैं अपने शिष्य के साथ रहूंगा। तो प्रभुपाद उस झोपड़ी के अंदर रहे, और एक दो दिन नहीं, प्रभुपाद 7 से 10 दिन के बीच में उस झोपड़ी के अंदर ही रहे, और वहीं सोए, वहीं खाए, सब वहीं किए। और वो ये दिखा चाहते थे कि कृष्ण की सेवा में जब जरूरत पड़े तो बड़ी चीज भी एक्सेप्ट कर लो, और जब नई जरूरत है तो छोटी चीज को भी रिजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। हर चीज का उपयोग है भगवान की सेवा में, और अगर गोल सिर्फ यही है कि भगवान की सेवा में उसको कैसे लगाना है, तब फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे सामने क्या है। तो बहुत की सारी भगवान की शक्ति है, एक बड़ी बिल्डिंग भी भगवान की शक्तियों से बनी है, और एक पेड़ भी भगवान की शक्ति से बना है। तो प्रभुपाद जी एक बार रिपोर्टर्स को बोल रहे थे कि मैं तो एक एक पेड़ के नीचे भी रह के कृष्ण भक्ति का आंदोलन चला सकता हूँ, बट तुम लोग मेरे पास नहीं आते अगर मैं एक पेड़ के नीचे बैठा होता। लोगों को भगवान की भक्ति पहुंच सके इसलिए मैं बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण कर रहा हूँ। एक बार ये प्रश्न पूछा जाता है इस्कॉन में, अरे तुम बड़े मंदिर क्यों बना रहे हो, सच्चा गरीबों को खिला दो। उनको ये नहीं समझता है कि बड़े मंदिर बन रहे हैं तो ही लोग आ रहे हैं और उनका जीवन पूर्ण रूप से चेंज हो रहा है। हाँ? मैं यहाँ पे कॉलेज में पढ़ रहा था, 2008 की बात है, तो एक हमारा टीचर होता था क्लास में, तो मैं नया नया था, तो वो बोल रहा था कि उसको नहीं पता था मैं मंदिर जाता हूँ या मैं मंदिर से जुड़ा हूँ कुछ भी। वो जनरली ऐसे क्लास में बोल रहा था, इंडियंस सारे थे तो इंडियंस को बता रहा था वो कि यहाँ पे हरे कृष्ण मंदिर है और मेलबर्न के सबसे बड़े एरिया में है, और मैं एक दिन वहां पे गया तो मुझे वहां प्रसाद मिला। और वो जनरली बता रहा था और बोल रहा था कि हाँ इन लोगों का मंदिर बहुत बड़ा है तो, और वो बहुत महंगा एरिया है तो मतलब बड़ा महंगा मंदिर भी होगा। तो उसको यही सिर्फ कॉन्स्टेंटली दिमाग में चल रहा था कि मंदिर महंगा है, मंदिर के पास बहुत पैसा है और मंदिर बहुत ही एक्सपेंसिव जगह पे है। और वो ये भूल गया, और उसको भूल के गया, उसको पता भी नहीं होगा कि एड़िया घिस घिस के भक्तों ने 20-25 साल लगा के सड़कों पे लिटरली भीख मांग मांग के इसका लोन उतारा मंदिर का। किस लिए? कि उसके जैसे और हमारे जैसे बहुत सारे लोग इस मंदिर में फ्यूचर में आए और अपना जीवन बदलने में सहयोग दें। तो पब्लिक को जो बाहर से दिखता है उनका वैसे ओपिनियन रहता है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पर्सनल लाइफ के लिए कि हम जो भगवान की चीज, जो भी चीज भगवान की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको करना चाहिए, उसमें अटैचमेंट या हेट नहीं होना चाहिए। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तु एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना रहे, हाँ सेटिस्फाइड रहे, ज्यादा सामान इकट्ठा ना करे। एक महाराज जी बताते हैं, बोलते हैं कि अपनी अलमारी हर 4 से 6 महीने में खोल के देखनी चाहिए, एटलीस्ट 6 महीने में खोल के देखनी चाहिए, अच्छी प्रैक्टिस है सबके लिए। और देखना चाहिए जो पिछले 6 महीने में इस्तेमाल नहीं किया, या तो किसी को दे दो या डस्टबिन में फेंक दो, जबरदस्ती इकट्ठा कर रहा हो जोड़ जोड़ के फायदा नहीं। चाहे कोई मंदिर में रहता हो चाहे घर में रहता हो, जब 6 महीना इस्तेमाल नहीं किया इसका मतलब हम उसका इस्तेमाल नहीं करने वाले, अनलेस कोई ऐसी आइटम हो जो साल में एक ही बार इस्तेमाल होती है। जनरली कपड़े वगैरह ऐसे होते हैं कि हम इकट्ठे कर रखते हैं जबरदस्ती, उससे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए, यही तुष्टि है। तपस का अर्थ है तपस्या। तपस्या के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है, यथा प्रातः काल उठाना और स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अतिक अति कष्टकार होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। सुबह उठ के नहाना बहुत लोगों के लिए इतना बड़ा टॉर्चर है, इतना बड़ा टॉर्चर है कि बोले सब कुछ करा लो प्रभु जी, ये मत कराओ, सुबह उठने को नहाने को मत बोलो, स्पेशली अभी सर्दियों में। आज सुबह 0 डिग्री था मेलबर्न में, बहुत ठंडा था, बट जब ड्यूटीज जो करनी है वो तो करनी है। इसी प्रकार मास के कुछ मास यहाँ पे मंथ है,
वहां से कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का विधान है। हो सकता है कि इस उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्णा भावनामृत के विज्ञान से प्रगति करने के संकल्प के कारण से ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, जैसे एकादशी वगैरह वे। किंतु उसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। जबरदस्ती फास्ट करने की जरूरत नहीं है अगर शास्त्रों में नहीं दिया हुआ। उसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास करना नहीं चाहिए, भूख हड़ताल नहीं करनी चाहिए। भगवद गीता में इसे तमसी उपवास कहा गया है, मोड ऑफ इग्नोरेंस में सबसे घटिया लेवल का उपवास बोला गया है भूख हड़ताल करना। तथा किसी भी ऐसे कार्य से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर भी जो कार्य किए जाते हैं वह समुन्नत बनाने वाले हैं। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुन्नत बनाता है। जहां तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय मतलब अपनी इनकम का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य है क्या? ये है कृष्ण भावनामृत के लिए किया गया कार्य। अभी ये डाइजेस्ट नहीं होगा बहुत लोगों को, 50% दे दें तो भैया मोर्टगेज कौन देगा, बच्चों को कौन पालेगा। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं है, शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है, क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्ण भावनामृत में लगा हो। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। ये प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वह नहीं है जैसा कि वेदों में उपदेश है। हम भी देखते हैं कि हमारे खुद के भी रिचुअल्स बने हुए थे परिवार के, कि जाओ पंडितों को ये दे आओ जी, हाँ आज पंडितों को खिलाना है। अरे वो पंडित खुद बाहर नौकरी करता है, उसका खुद का बिजनेस है, वो मुंह में पान तंबाकू चबाता है, सिगरेट पीता है ना, बट क्योंकि उसका सरनेम पंडित वाला है इसलिए आज पंडितों को दान दे के आओ। वो भी चोर एक्सेप्ट करता है, हा? क्यों? क्योंकि वो पंडित जाति से, ये उनकी बात नहीं की जा रही है, ब्राह्मणों की बात की जा रही है जिनका जीवन केवल और केवल ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानने के लिए लगा हुआ था। क्योंकि वो सिर्फ ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हैं इसलिए जाके उनको आटा दे आओ चीनी दे आओ, और वो भी बिल्कुल बेशर्मों की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है सही ब्राह्मण को ढूंढना और दान दिया जाए। बट क्योंकि दान अब अगर ब्राह्मण ठीक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि दान नहीं देना, रादर ब्राह्मण सही चुने जो भगवान की सेवा में उसको लगाए उसको देना चाहिए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं, इसलिए ब्राह्मण से ये आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मण को दिया जाता है क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं, उन्हें जीविका को उपार्जन के लिए समय नहीं मिलता, इसलिए ब्राह्मणों को दान दिया जाता है। क्योंकि वो स्पिरिचुअल लाइफ में इतना बिजी रहते हैं अपनी आध्यात्मिक प्रगति में और लोगों की मदद करने में कि उनको अपनी जीविका कमाने का समय नहीं होता, इसलिए पब्लिक ब्राह्मणों को पालती है। जो राजा थे वो ब्राह्मणों को सपोर्ट करते थे। ब्राह्मणों ने इसका क्या फायदा ले लिया? यहाँ से तो हमें आ ही रहा है, चलो अपना नौकरी वोकरी भी कर लें, बिजनेस भी चला लें, तो दोनों जगह से लूटेंगे, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। भगवान का नॉलेज देने के लिए सन्यासी घर घर जाते हैं, उनको भी दान देना चाहिए। वे द्वार द्वार जाके भिक्षा मांगते हैं, वे धनार्जन तो हो गए, वे द्वार द्वार जाके गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावनामृत को जगाने को भूले रहते हैं। अतः ये सन्यासी का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्ण भावनामृत होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो प्राप्त करना चाहे करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासी द्वारा ये ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों को ब्राह्मणों की को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए देना चाहिए, किसी किसी सनक के कारण नहीं।
आगे यशस्वी भगवान चैतन्य, भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यशी यशस्वी यश 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 मतलब फेम, हाँ, उन चैतन्य महाप्रभु के हिसाब से होना चाहिए। उनका कथन है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। अभी हमें कैसे फेमस बनना होता है? मैं अच्छा दिखता हूँ, बहुत पैसा है, मैं बहुत मदद करता हूँ, मेरे पास ये गाड़ी है, वो घर है, इतना अमीर हूँ, इतना जॉब है, हमें इससे फेमस बनना होता है। चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, कैसे फेमस बनना है? जब एक महान भक्त के रूप में जाना जाए व्यक्ति, यह है वास्तविक यश है कि मैं ये डिवोटी बहुत अच्छा भक्त है भगवान का। यदि कोई कृष्ण भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है, जिससे ऐसा यश प्राप्त ना हो वह अप्रसिद्ध है। ये सारे गुण संसार भर मानव समाज में तथा देवता समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोगों में भी विभिन्न तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है उसमें कृष्ण के सारे गुण उत्पन्न कर देते उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं, किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है वह भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। अब भगवान स्वयं उसको ये सारे गुण देते हैं। भागवत में एक जगह पे श्लोक आता है कि जो भगवान का भक्त है उसमें धीरे धीरे सारे की सारी अच्छी क्वालिटीज आ जाती है, और जो भगवान का भक्त ही नहीं है, जिसकी भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, भगवान को मानता भी नहीं है, उसमें ये सारे गुण दिख भी रहे हो तब भी वो अवगुण है। क्यों? क्योंकि वो मूल सिद्धांत से हट गया अपने। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कृष्ण में स्थित ना हो, यही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि वस्तुएं भिन्न रूप में स्थित हैं, किंतु हमें ये अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं। अगला श्लोक, महर्षय सप्त पूर्वे सत्वरो मन वस्तथा मद्भाव मनस जाता ये सम लोका इ महाप्रजा। सप्त ऋषि गण तथा उनके चार अन्य महर्षि एवं सारे मनो मानव जाति के पूर्वज सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवृत होते हैं। भगवान अपने और क्वालिटीज बता रहे हैं, सारे मेरे माइंड से उत्पन्न हुए हैं और बाकी सारे जीव उनसे आगे उत्पन्न हुए हैं। तात्पर्य क्या इसका? भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का अनुवांशिक वर्णन करते हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं जिन्हें हिरण्य गर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा के सात महर्षि तथा इनसे भी पूर्व चार महर्षि सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार हैं। ये सारे मनु प्रकट होते हैं। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक कहलाते हैं। असंख्य ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, और प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 2500 प्रजातियों से उत्पन्न है। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक सनंदन सनातन तथा सनत कुमार उत्पन्न हुए। उनके बाद रुद्र तथा सप्त ऋषि और इस प्रकार भगवान की शक्तियों से सभी ब्राह्मणों तथा ऋषियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पितामह कहा जाता है और कृष्ण को प्रपितामह, पितामह का भी पिता। इसका उल्लेख भगवद गीता के 11वें अध्याय में किया गया है। अगला, मम यो वेति तद्वता स्वविकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मेरे इस ऐश्वर्य तथा योग से पूर्णतः आश्वस्त है,
अभी भगवान मुद्दे पे आ रहे हैं। जो मेरे इस ऐश्वर्य और योग योग से पूर्णतः आश्वस्त है वह मेरी अनन्य भक्ति में तत्पर होता है। इसके तनिक भी संदेह इसमें इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तो एक्चुअली भगवान के इस ऑपुलेंस से और भगवान के योग शक्तियों से कन्विंस्ड है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति में लग जाता है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब ये जो श्लोक है ये सेटिंग कर रहा है, ये पूरा का पूरा एस्टेब्लिश कर रहा है क्या अगले जो चार मेन श्लोक आने वाले हैं। आध्यात्मिक सिद्धि की चरम परिणति है भगवत ज्ञान। जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो लेता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना कि बहुत से लोग बोलते हैं हम तो भगवान में बड़ा ही हमारा आसक्ति है, हम तो उनकी हमारे तो जीवन का बस आधार ही भगवान है, मोरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। बट उनको कुछ भी नहीं पता होता भगवान के ऐश्वर्य के बारे में। उनसे जब हम फिलोसफी पे बात करने जाएं या कुछ भगवान के बारे में कुछ पूछने जाएं तो उनको आप हैरान हो जाओगे, वो तो सब एक है बट हमें तो ये पसंद है, हमें बड़े प्यारे लगते हैं, हमारे गोपाल जी सबसे नटखट है, हमें सबसे सुंदर वही लगते हैं। कुछ प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, जब तक कोई भगवान के विभिन्न ऐश्वर्यों के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाता तब तक भक्ति में नहीं लग सकता। सामान्यतः लोग इतना तो जानते हैं कि ईश्वर महान है किंतु ये नहीं जानते कि वे किस प्रकार महान है। यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन किया जाता है गया है। जब कोई ये जान ले कि ईश्वर कैसे महान है तो वह सहज ही शरणागत होकर भगवत भक्ति में लग जाता है। सच्चा इंपॉर्टेंट पॉइंट, भगवान के ऐश्वर्य को ठीक से समझ लेने पर शरणागत होने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं रह जाता। जिसने भी ये शास्त्रों को ढंग से पढ़ा है उसके पास ऑप्शन नहीं रहती भगवान की शरण लेने के बजाय। ऐसा वास्तविक ज्ञान भागवत गीता श्रीमद भागवतम तथा अन्य ऐसे ही ग्रंथों में प्राप्त किया जा सकता है। इस ब्रह्मांड के संचालन के लिए विभिन्न लोगों में अनेक देवता नियुक्त हैं जिनमें से ब्रह्मा शिव चारों कुमार तथा अन्य प्रजापति प्रमुख हैं। ब्रह्मांड की प्रजा के अनेक पितामह भी हैं, वे सब भगवान कृष्ण से उत्पन्न है। भगवान कृष्ण समस्त पितामहों के आदि पितामह हैं। ये रहे परमेश्वर की कुछ ऐश्वर्य। जब मनुष्य को इन पर अटूट विश्वास हो जाता है तो वह अत्यंत श्रद्धा समेत तथा संशय रहित होकर कृष्ण को स्वीकार करता है और भक्ति करता है। भगवान कि प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने के लिए ही इस विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता है। किसमें? भगवान की प्रेम भक्ति में रुचि बढ़ाने। बहुत लोग बोलते हैं कि प्रेम के लिए ज्ञान की क्या जरूरत है। हाँ, ये बहुत ही शैलो स्टेटमेंट है, बड़ा ही खोखला सा स्टेटमेंट है कि प्रेम के लिए ज्ञान की जरूरत है। जरूरत है क्योंकि जो आपका प्रेमी है जिससे आप प्रेम करना जा रहे हो आपको पता है उसके बारे में कुछ भी। जिस प्रेम में ज्ञान की जरूरत नहीं है वो जो जीवात्माएं हैं वो पहले जीवन में या इसी जीवन की शुरुआत में ये सारा ज्ञान अर्जन कर चुकी हैं। तब वो उस स्थिति पे आई हैं कि उनको भगवान की नॉलेज से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ भगवान से इतना अटैच्ड है। पर जो 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 प्रोग्रेसिव स्टेज है उसमें ये जानना बहुत ही आवश्यक है, तब भगवान से प्रेम और बढ़ता है। सपोज कोई रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है और वाइफ को ये पता चले कि मेरा हस्बैंड बहुत ही केयरिंग है मेरे लिए, या हस्बैंड को ये पता चले कि मेरे वाइफ मेरे पीछे से मेरे लिए क्या क्या करती है, मेरे को मदद करने के लिए, मेरे को सपोर्ट करने के लिए, मैं थका हुआ ऑफिस से आता हूँ मेरे को मेंटेन करने के लिए, या हस्बैंड ऑफिस में जाके कितना मेहनत कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है कि परिवार पाल सके। अब ये इन्फॉर्मेशन जब होगी तभी तो रिलेशनशिप में और बॉन्डिंग आएगा ना, या अटैचमेंट बढ़ता है या प्यार बढ़ता है। बट अगर पता ही नहीं है दूसरे के बारे में कुछ भी कि उनकी क्वालिटीज क्या है तो कैसे होगा। सिमिलरली भगवान के साथ जब भगवान का नेचर समझता है, भगवान का हृदय समझता है, भगवान की शक्तियां समझती हैं और इतने महान होने के बाद भी भगवान हम एक एक जीव के लिए कितनी चिंता कर रहे हैं और एक एक जीव के लिए भगवान अलग से प्लानिंग करते हैं कि इसको कैसे मेरे तक लाऊं, इस जीव को कैसे मेरे तक लाऊं, ये चींटी में जो आत्मा है इसको मेरे तक कैसे लाऊं, ये जो बैक्टीरिया में आत्मा है इसको मेरे तक कैसे लाऊं। हर जीव आत्मा के लिए भगवान इंडिविजुअली चिंता करते हैं। तो नेचुरली ऐसे भगवान के गुण जानने के बाद उनसे प्रेम भक्ति बढ़ती है। कृष्ण की महात्मा महानता को समझने के कृष्ण की महानता को समझने में अपेक्षा भाव ना बरतें, क्योंकि कृष्ण की महानता को जानने पर ही एकनिष्ठ होकर भक्ति की जा सकती है।
ये हमारा आज का खत्म हुआ। हम नेक्स्ट टाइम जो हम करेंगे वो हम जन्माष्टमी को नजर में रख के चतुश्लोकी करने की कोशिश करेंगे ट्यूसडे को। कोई क्वेश्चन है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु। हाँ जी कौन बोल रहे हैं? निहाली प्रभु जी। हाँ जी हाँ जी प्रभु जी, ये 10.4 श्लोक में जो आया कि हमको हमेशा सबको क्षमा करना चाहिए उनके छोटे छोटे मतलब मिस्टेक्स के लिए, तो हाँ हम जब भी ऐसा एटीट्यूड रखते हैं कि सबको क्षमा कर दे या तो सरल नेचर रखते हैं, तो कभी कभी कोई हमको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेता है या तो मतलब उस तरह से, तो हमको किस तरह से उस टाइम पे रहना चाहिए? बिकॉज अगर हमारा नेचर इसके हिसाब से बहुत ही सरल है तो लोग ऐसा भी हाँ अच्छा हमको क्वेश्चन है सपोर्ट आपका। करते हैं कि बेसिकली क्या है ओके मतलब कि कि उनके साथ हाँ मैं कैसे समझा डील कर आपका। सकते हैं? हाँ तो बेसिकली क्या है कि मैं एक छोटा छोटा सा स्टोरी सुनाता हूँ, पहले भी मैंने सुना है, उससे काफी सीखने को मिलता है कि एक बार ये क्या होता है, एक गांव में एक एक सांप था बहुत जहरीला, और उसने कई बच्चों को डस दिया और सारे लोग बहुत डरते थे उस एरिया में जाने से। तो एक दिन नारद मुनि वहां से गुजर रहे थे और नारद मुनि ने को सब लोगों ने गांव के लोगों ने बोला कि वहां पे इतना जहरीला सांप है, हमारे इतने बच्चों को उसने मार दिया, हमें बहुत डर लगता है वहां जाने से। तो नारद मुनि ने अपनी कृपा दिखानी थी उस सांप पे, तो वहां पे तो उन्होंने सांप को अपनी दिव्य शक्ति से बाहर बुलाया और उससे बात की और उसको बोला कि आज से तुम किसी को नहीं डसोगे, तुम्हारा स्वभाव है डसना पर तुम किसी को नहीं डसोगे आज से, क्योंकि लोग मर जाते हैं, तुम बहुत जहरीले हो। उसने नारद मुनि की बात मान के डसना बंद कर दिया। तो थोड़े दिन बाद नारद मुनि वहां से निकल रहे थे, उन्होंने सोचा देखो ये जीवात्मा ने मेरी आज्ञा मान के क्या किया। तो देखा कि वहां पे बच्चे लाठी से पत्थर से उस सांप को मार रहे थे और सांप अधमरा पड़ा था, खून खून बह रहा था। तो नारद मुनि ने आके सबको रोका कि तुम क्या कर रहे हो, क्यों मार रहे हो उसको। तो उन्होंने सांप से पूछा कि तुम बचा के नहीं रहे अपने आप को, तुम्हें ऐसा पत्थर लाठी मार रहे हैं। तो वो बोले नारद मुनि आपने तो बोला था किसी को डसना नहीं है। तो नारद मुनि बोले अरे मूर्ख, मैंने डसने के लिए मना किया था, मैंने डराने के लिए मना थोड़ी ना किया था। तो पॉइंट ये है कि हमारे को दूसरे व्यक्ति को अपना फायदा नहीं उठाने देना, बट हमारे को दूसरे व्यक्ति का नुकसान भी नहीं करना। पॉइंट समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारी लाइफ में। तो हम क्षमा का की चादर डाल के दूसरे व्यक्ति को अपना फायदा भी नहीं उठाने देंगे, और अगर कोई सामने वाला गलती कर देता है तो हम उसको अपने मन में बैर बना के, अपने ही मन में कड़वाहट लेके, खुद का ही जीवन खराब करके, हर समय मन में उसके बारे में गलत विचार करके, नुकसान हुआ किसका, अपना ही तो हो रहा है, तो वो भी नहीं करेंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि डिफेंस, अपने को डिफेंड करना आपका अधिकार है, ऑफेंस करना आपका अधिकार नहीं है। मतलब सामने वाले व्यक्ति को जाके नुकसान पहुंचाना आपका अधिकार नहीं है। तो क्षमा करना, जो क्षमा की भावना है, क्षमा की भावना एक्चुअली में अपने ऊपर ही कृपा करना होता है, क्योंकि जो व्यक्ति क्षमा नहीं करता वो खुद ही कुड़ कुड़ के जल जाता है, खुद ही दुखी हो के अपने को जला लेता है। एक बार ही क्या हुआ कि एक स्वामी जी, आई थिंक यूएस में थे कहीं तो थे, वो एक टैक्सी में बैठे और टैक्सी ड्राइवर ने एक सड़क से मोड़ा और सामने से दूसरी एक टैक्सी आ रही थी, तो उसने उसको हॉर्न मारा, इसने शायद ध्यान नहीं दिया है, कुछ तो हुआ, और वो बंदे ने शीशा नीचे करके जिस गाड़ी में स्वामी जी बैठे थे उसको इतनी गालियां दी, उस टैक्सी ड्राइवर को, दूसरे टैक्सी ड्राइवर ने इतनी गालियां दी, नॉन स्टॉप गाली भी गाली दी। और ये जिस जिस टैक्सी ड्राइवर में महाराज जी एक स्वामी जी बैठे थे, वो टैक्सी ड्राइवर ने उसको जवाब दिया थैंक यू हैव अ गुड डे, हंस के जवाब दे के चला गया। तो ये महाराज जी स्वामी जी ने देखा कि ये तो बड़ा चमत्कार, ये तो बड़ा अजीब बात हुई, मतलब ये व्यक्ति को इतनी गालियां पड़ी, इतनी गालियां पड़ी, इसने रिएक्ट ही नहीं किया। तो सो महाराज जी ने पूछा उससे कि क्या हुआ, तुमने रिएक्ट क्यों नहीं किया, तुम्हें इतनी गालियां पड़ी, तुम्हारी गलती भी नहीं थी। तो ये टैक्सी ड्राइवर ने बोला, और स्वामी जी बोले थे कि मेरे लिए लेसन था वो, बोला कि टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि उसके अंदर कचरा भरा हुआ था, उसने वो कचरा कहीं तो फेंकना था और वो मेरे पे फेंकना चाहता था, मैं अपने पे कचरा रहता तो मैं किसी पे फेंकता, तो
मैंने वो कचरा अपने ऊपर लिया ही नहीं ताकि मुझे फेंकने ना पड़े, मैंने उसको बाहर से रिजेक्ट कर दिया। तो मैंने ऑफेंस लिया ही नहीं, मैंने उसको पहले ही आने नहीं दिया अपनी तरफ और हंस के टाल दिया। क्यों? क्योंकि अगर मैं ऑफेंस लेता तो मैं किसी और को भी ऑफेंड करता, नहीं तो उसको ऑफेंड करता और खुद भी दुखी होता, दूसरों को भी दुखी करता। हाँ, तो क्षमा का जो भाव है, जो क्षमा का भाव है, ये क्वालिटी हमारे अंदर लाता है कि वो एटलीस्ट हमारे को शांत रखता है। बट बहुत जरूरी है अपने को डिफेंड करके प्रोटेक्टेड रखना। ठीक है, प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और कोई क्वेश्चन है किसी से? एक्चुअली मैं क्षमा वाले पे, आप किसी को क्षमा कर ही तभी पाओगे जब आपके जीवन में कुछ सुपीरियर होगा। आप अपने जीवन में अगर कुछ बेटर रहे होगे तभी ये छोटी मोटी नीचे के जो नीचे की चीजें जो आपको कोई उंगली दे रहा है, आपको तकलीफ दे रहा है, वो आपको परेशान नहीं करेगी। अगर आपके जीवन का लक्ष्य यही है कि अरे मेरे को मेरे रिश्तेदार ने क्या बोला, मेरी चाची मौसी ने क्या बोला, मामा मामी ने क्या बोल दिया, दोस्तों ने क्या बोल दिया, मेरा कलीग वहां बैठे मेरे को क्या कमेंट पास कर रहा है, मेरे हस्बैंड, मेरी सास बहू क्या चल रहा है, अगर जीवन का गोल ही यही है, और बहुत लोगों का गोल ही इतना है सिर्फ, उनके लाइफ में और कोई गोल नहीं है, अगर सिर्फ गोल ही इतना है तो फिर कैसे क्षमा कर पाओगे? क्योंकि जब जब जीवन का लक्ष्य ही इस लेवल पे है तो जो जो इस लेवल पे हो रहा है आपको तकलीफ देने ही वाला है। बट अगर आपका ही लेवल ऊपर आ गया, अगर आपका ही जीवन में लेवल सुपीरियर हो गया, आपका जीवन का गोल सुपीरियर हो गया, आपके जीवन का लक्ष्य बदल गया, तो फिर निचले स्तर पे जो भी हो रहा है होने दो, क्या फर्क पड़ रहा है? आप अगर एक ऊंची पहाड़ी पे खड़े हो और लहरें पटक रही है नीचे पहाड़ी से, तो आपको थोड़ी ना गीला कर रही है, पटकने तो पहाड़ियों से कुछ फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, आप गीले नहीं हो रहे ना जब तक, बट आप ऊंचे जाने चाहिए तब आप गीले नहीं होगे। अदरवाइज अगर आप भी पहाड़ी के नीचे खड़े हो तो फिर तो आपको बस पानी के थप्पड़ पड़ते रहेंगे और आप उसको रिएक्ट करते रहोगे। और कोई प्रश्न है किसी से? हरि बोल प्रभु। प्रभु हरे कृष्ण। मेरा प्रश्न यह है कि पिछले श्लोक में भगवान बोल रहे कि ब्रह्मा जी और सबकी उत्पत्ति मेरे मन से हुई है, तो हाँ इस पे थोड़ा वो डालेंगे कैसे? हमें तो पता है कि ब्रह्मा जी उनकी नेवल से निकले, तो क्या बॉडी की बात कर रहे हैं या सूक्ष्म शरीर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? हाँ तो बेसिकली यहाँ पे जो बोला जा रहा है कि ये जो जितने भी डेमी गॉड्स वगैरह हैं सब मेरे मन से उत्पत्ति हुई है। भगवान अभी अगर टेक्निकली जानना है तो अभी जो भगवान की नेवल से जो निकलते हैं गर्भोदक्षा विष्णु के उससे निकलते हैं, उससे पहले ही कितनी कितनी हायरार्की है। शिरोदक्षा विष्णु है, महाविष्णु है, संकर्षण है, चतुर्व्यूह है, फिर दूसरा संकर्षण चतुर्व्यूह है, फिर बलराम है, फिर कृष्ण है, तो बहुत बड़ी हायरार्की है। तो जो भगवान बोल रहे हैं कि मेरे मन से इनकी उत्पत्ति हुई है, तो बेसिकली ये भगवान बोल रहे हैं मेरी मेरी इच्छा द्वारा सब हुआ है। ओके प्रभु, समझा। प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। हाँ जी अगर इसी इसी टॉपिक के रिलेटेड था कि अगर वो गर्भ से या कभी वो नेवल से अगर होती है तो जितने भी मंदिर होते हैं जो भी होते हैं उसको गर्भ द्वार कहा जाता है कि भाई जहाँ पे गर्भ द्वार पे भगवान जी का वास होता है, तो वो क्यों ऐसा क्यों होता है? आप बोल रहे हो कि जो गर्भोदक्षा विष्णु है जिनके गर्भ से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, तो कई मंदिरों में गर्भ द्वार बोला जाता है। जहाँ जैसे कोई भी हो, जैसे वो इवन जैसे हाँ हाँ द्वारकाधीश है, तो द्वारकाधीश में भी द्वारका का जो मंदिर है तो जो जहाँ पे मंदिर की स्थापित है वो टेम्पल के गर्भ द्वार बोला जाता है कि ये गर्भ द्वार गर्भ है। का यहाँ मतलब है गर्भ का बेसिकली, गर्भ जो गर्भोदक्षा विष्णु मीन्स एट द बॉटम ऑफ द ओशन। हाँ, उनका नाम गर्भोदक्षाय विष्णु है और उनके नेवल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो रही है, क्योंकि भगवान पूरे यूनिवर्स के गर्भ में उसके बॉटम में जाते हैं, तो यहाँ पे जो गर्भ है वो बॉटम है बेसिकली। हाँ, ओके, थैंक यू भाई। क्योंकि अभी अभी जैसे गर्भ के मीनिंग है ना, जैसे एक होता है वोम, जैसे बच्चा जिससे पैदा होता है। हाँ, जो विष्णु यहाँ पे हो गर्भोदक्षाय विष्णु है जो यूनिवर्स के गर्भ में जाके सृष्टि करते हैं, बेसिकली यूनिवर्स के सबसे नीचे बॉटम में जाके क्षीर सागर में भगवान लेटते हैं और वहां से उनकी उत्पत्ति होती है। थैंक यू भाई। तो वो जो गर्भ द्वार है वो आई थिंक सबसे बॉटम मोस्ट होगा, जैसे
उसको बोलते हैं क्या एग्जैक्टली जैसे वर्ड मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। आएगा तो मैं आपको बताता हूँ, मेरे दिमाग में वर्ड क्लिक नहीं हो रहा अभी। नो प्रॉब्लम और भाई, कोई क्वेश्चन है किसी का? नहीं है तो खत्म करें, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम जन्माष्टमी की क्लास के लिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण धृतराष्ट्र भाई, भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे बोल प्रभु जी, जी। अच्छा भैया है। हरे कृष्णा।